नहीं आ पा रहा नो। तो हाँ जी दोस्तों, दोस्तों आपने इस डॉग की एक मिनी सी स्टोरी और एक सैड सी स्टोरी तो देखी होगी। दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के लिए हम बहुत ज़्यादा भटकना पड़ा है, बट अब डॉग ज़्यादा कर निराश होते नहीं हैं, उदास होते नहीं हैं। बट पिछले एक महीने से मैं इस डॉग को नोटिस कर रहा था, जो बड़ा बिल्कुल शांत रहता था और इसके गले पे जो पट्टा था वो संकेत ये करता था कि ये किसी का पालतू कुत्ता है और किसी ने इसको घर से भगा दिया हो या कैसे भी ये पिछड़ गया हो, और उसे अपने पुराने मालिक के प्रति थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं प्यार था और अपने मालिक के बिछड़ने का थोड़ा सा कम था, इसीलिए ये डॉग मुझे उदास सा लगता था। और कुछ टाइम पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी और इस डॉग का नाम हमने कालू रख दिया था। तो आज कालू पे चोट लग गई थी, कालू का एक्सीडेंट हो गया था। अब पता नहीं कैसे किसी गाड़ी वाले ने या किसी ट्रक वाले ने या कैसे ही इस पे चोट लग गई थी। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मैं एनजीओ को कॉल करने बैठ गया। कुछ नहीं, चंद्रमणि बताया ना आपने। अरे दे दो ना एनजीओ में, दे दो। वो अपने आप रख देते हैं। लोकेशन क्या है ये वाले लोकेशन क्या है? ये लोकेशन क्या है ये वाली? ये बना शिव मंदिर कॉलोनी के पास। शिव मंदिर कॉलोनी के पास ना? वहीं थी बेटा, वहीं चिल्लाई है बहुत देर ना। हाँ पता नहीं किसने पैर सूजरा का ना भी लगी चोट, फ्रेश नहीं लगा, अभी लगा हुआ है। मारा है किसी ने? होती है कभी, मार होती है। और चोट खाने से ना वहाँ रोड पे बैठी हुई किसी उस वाले में लगी, बीस वाले से खून निकल रहा उधर वाले में यार। दोस्तों कालू पे बहुत चोट लग गई थी, चल भी नहीं पा रहा था, शायद उसका पैर हाफ से कट गया था। और दीदी जी बड़ी टेंशन में थी क्योंकि दीदी जी के पास भी खुद दो डॉग हैं, वो भी डॉग को बहुत प्यार करती हैं। तो शायद ही कहीं ना कहीं हम लोग अब एनिमल से, जानवर से बहुत प्यार करते हैं। अब शायद मेरे लिए ये घटना पहली हो, मेरे सामने पहली हो, बट मेरा दिल बड़ा नरम सा है और मैं पिघल सा गया और सोचा कि इस डॉग का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो। अभी हम एक डॉग का रेस्क्यू कर रहे थे, उसमें चोट लगी हुई थी, तो काफ़ी देर से एनजीओ को फ़ोन कर रहे थे हम सुबह से, तो जाके अभी फाइनल हुआ कि वो भी उसके ट्रीटमेंट करने आ रहे हैं। तो यहीं था थोड़ी देर पहले कुत्ता, तो देखते हैं वो डॉग है कहाँ अभी समय, क्योंकि एनजीओ वाले आने वाले। तो भाई अभी ढूंढ रहे उस डॉग को, वो आने वाले समय हो रहा 12:30 का। देख गली गली ढूंढ रहा हूँ मैं काले कुत्ते को, मिल नहीं रहा मुझे, उनसे पूछता हूँ बच्चों से। इधर तुमने काला कुत्ता देखा? हा? काला कुत्ता इधर कहीं, इधर कहीं आगे है कोई काला कुत्ता? चोट लगी थी ना उसपे, इधर कहीं काला कुत्ता है? देखा काला कुत्ता, देखा हमने कोई काला कुत्ता? हाँ हाँ, टेढ़ी नहीं, उसके गले में पट्टा था एक, बड़ा बड़ा है, काला काला। इधर कहाँ, इधर कहाँ कह रहे हम, इधर आगे गया कोई कुत्ता? इधर देख का तो ना, और शायद मैं भी सोचता कि चलो रहन दो, कुत्ते पे चोटी तो लगी है कहाँ होगा, और अपने रूम पे बैठ के आराम कर लेता हूँ। बट हमारा दिल कुछ ऐसा नहीं है, डॉग को तो ढूंढना ही था। इसे ढूंढ रहा था मैं एक घंटे से, इस वाले डॉग को, और फाइनली मेरे जान में जान आई कि आखिरकार हमारा कालू मिल ही गया। अब कालू को हम जल्दी से जल्दी ले जाएं और उसका ट्रीटमेंट हो जाए। तो ये था कालू, जो पता नहीं कहां से कहां निकल पड़ा था उस टाइम पर ही। तो भाई दोबारा भेज दिया मैंने करंट लोकेशन उनको, अब देखो ना ये वहां से यहां निकल गया था। पूछता है इसके बारे में, अभी यहां मिला मुझे। कहां कटा हुआ सुन रहा है इसको? ये तो है कटा हुआ इसका, अब किस साइड कटा हुआ? अंदर की साइड कटा हुआ इसका। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले बात हुई भैया से कि वो आएंगे अभी, तो मैंने लोकेशन तो भेज दूँगा करंट लोकेशन, तो आके भी देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कराते हैं पहले। ये है वो डॉग। भाई मैं ऐसा नहीं बना रहा हूँ, खाली वीडियोज़ के लिए बना रहा हूँ भाई,
एक्चुअली में कभी कभी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है बनाने, क्योंकि भाई लोग समझें थोड़ा उन चीज़ों को और रिलेट कर पाएँ उन चीज़ों से, वीडियो से, कि किस तरह लोग ना स्ट्रीट डॉग को थोड़ा मतलब वो कर लेते हैं। आएगा तो नहीं, मुझे लग रहा है क्या कर रहा हूँ, वो गाड़ी वाले हैं अंदर आने रहे, बड़ी गाड़ी ना उनकी, क्या हो रहा था उसका पता नहीं कहाँ, पता नहीं क्या विचार है, मजबूत है, आएगा नहीं आएगा भाई, एक रस्सी मांग रखी मैंने, तो बांध के लिए आता हूँ, देखता हूँ आता नहीं आता, मुश्किल लग रहा है मुझे खाना। फिर मैं आंटी जी से एक रस्सी मांगता हूँ कि इसको मैं अपने साथ ले जाऊँ, क्योंकि ऐसे तो आ नहीं रहा था, फिर मैं अपने साथ ले गया। दोस्तों रास्ते भर लोग पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, बस मैंने कहा बस उसे चोट लगी हुई है और इसका ट्रीटमेंट कराना है। दोस्तों दिन भर काफी सारे एनजीओस को कॉल कर रहा था, बट कोई अवेलेबल नहीं था उस दिन। अब शायद देखो किस्मत ही कैसी रहती है कि जिस दिन कोई चीज घटना हो जाती है उस दिन कोई मिलता ही नहीं है। बट चलो फाइनली जब मिला तो हमने इसका ट्रीटमेंट का फिक्स कर लिया। रास्ते पर लोग पूछ रहे क्या हो गया क्या नहीं इसका, घटिया भाई, सीरियसली बताऊं तो इस जीवन में इस जिंदगी में बहुत कुछ है भाई, हम सोचते हैं यही है बस लाइफ, मुझे तो सामने है गाड़ी, सामने आ गई गाड़ी डॉग के ट्रीटमेंट के लिए, डॉग तो ही रहा। किसी का होगा ये शायद ना, किसी ने ऐसी छोड़ दिया फिर बाद में, ये तो मैं ढूंढ रहा था, वो पता नहीं यहाँ था, उससे बात कहीं और चले गया था। दोस्तों ये कहानी कुछ देर में खत्म होने वाली है और पता नहीं आप इस कहानी को कितना रिलेट कर पा रहे हो, बट हमारा कालू उस दिन बहुत दर्द में था और शायद उसे बहुत पीड़ा हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए और कहीं ना कहीं राहत मिल जाए उसे। बट क्या था, वो कुछ भी नहीं कह रहा था, बाकी कुत्तों की तरह भौंक भी नहीं रहा था, बाकी कुत्तों की तरह न भाग रहा था, बस शांत सा था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और शायद दीदी जी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि इसका ट्रीटमेंट हो जाए, और शायद ही मैंने अपना नॉन वेज वगैरह सब चीज़ छोड़ दिया, मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि जब हम किसी एनिमल से प्यार करते हैं, जानवर से प्यार करते हैं, तो हम कैसे ही किसी नॉनवेज चीज़ को कैसे खा सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ कहानी, ये थी हमारी कालू की कहानी, कि शायद दोस्तों हम लोग स्ट्रीट डॉग को ऐसे छोड़ देते हैं या अपने पालतू डॉग को छोड़ देते हैं, बट उनके दिल में भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए प्यार होता है, जिसमें उन पर ठेस पहुँच जाती है और वो लोग उदास से रह जाते हैं। तो कालू भी ऐसे ही था हमारा, पता नहीं कभी उस दुख उस दर्द से उतरेगा भी या नहीं अपने पुराने मालिक से, जिस मालिक ने उसे छोड़ा था, पता नहीं। बट कालू का अब मुझे कोई पता नहीं कि कालू अब कहाँ रहता है, कालू इस एरिया को छोड़ के निकल चुका है, तब से मुझे कालू कभी दिखाई नहीं है इस ट्रीटमेंट के बाद। दोस्तों मिलते हैं एक नई कहानी में।